नमस्कार दोस्तों, ये हेल्दी टाइम विद डॉक्टर विक्रम का 10th एपिसोड है और आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में, घुटनों के दर्द के बारे में। दोस्तों, घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा आम समस्या है और आज मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नी, घुटना, हमारे लोकोमोटर सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जिससे हम चलते हैं, हम घूमते हैं, हम अपना कार्य कर पाते हैं, शरीर को अच्छे से हिला पाते हैं, उस सिस्टम में जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनमें से सबसे बड़े जोड़ों में से एक है घुटना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खड़े होने के लिए, चलने फिरने के लिए, बैठने के लिए, और कहीं भी अगर आप जाते हैं तो बिना घुटनों की मदद से आप इधर उधर नहीं जा सकते। जो हमारा घुटना है वो चार बोन से मिलके बनता है। एक तो पटेला, जिसको हम कटोरी भी बोलते हैं हिंदी में और आम भाषा में, एक फीमर बोन जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, एक टीबिया और एक फ्यूबुला। दोस्तों, ये चार बोन है, इससे मिलके हमारा नी जॉइंट बनता है। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ मसल्स भी आप देख रहे हैं, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल नी जॉइंट के लिए होती है हैमस्ट्रिंग मसल, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है नी जॉइंट का, वो होता है मेनिस्कस। मेनिस्कस एक्चुअली में जो बोन होता है उसको घिसने से बचाता है, एक दूसरे से टकराने से बचाता है मेनिस्कस। और लिगामेंट्स मोस्टली क्या होता है कि जो जॉइंट को मजबूती प्रदान करते हैं, लिगामेंट्स साथ में मेनिस्कस, साथ में टेंडन, साथ में मसल और बोन, इन सबसे मिलके नी जॉइंट बनता है। तो नी जॉइंट में, घुटनों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो आम बीमारी है वो पहली है अर्थराइटिस, मतलब घुटनों में इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन हो जाना। वो सूजन बहुत सारे कारणों से होता है। पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे घुटनों की जो हड्डियाँ हैं वो घिसने लगती हैं, और जो मेनिस्कस है वो भी धीरे धीरे पतला पड़ता जाता है, जिसके कारण दोनों हड्डियाँ एक दूसरे से टकराती हैं और घर्षण होता है, जिसके कारण सूजन होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, एक दूसरा कारण भी है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन और है कि स्प्यूर हो जाता है, जो बोन है वो थोड़ा सा सूज जाता है और बोन में एक ओवरग्रोथ, एक उभार सा हो जाता है, जिसके कारण एक दूसरे से टकराने लगती हैं बोन। और साथ ही साथ लिगामेंट में भी प्रॉब्लम होती है, लिगामेंट में भी सूजन हो जाती है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा घर्षण होने के कारण बोन जो है वो काफ़ी घिस जाती है, वहाँ पर डिजेनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन सभी प्रॉब्लम्स को मिला दिया जाए तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सबसे आम बीमारी है घुटनों की, और ये ज़्यादातर उम्र के कारण होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ दो तीन और बीमारियां हैं जो बहुत आम है घुटनों की। एक बीमारी है रूमेटाइड अर्थराइटिस। दोस्तों, रूमेटाइड अर्थराइटिस में आर ए फैक्टर पॉजिटिव होने के कारण घुटनों के अंदर ऑटोइम्यून रिएक्शन होने के कारण, मतलब जो आपकी इम्यून सिस्टम है, जो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो आपके ही जो नॉर्मल सेल है उससे लड़ने लगता है, आपके घुटनों में जाके वो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो आपका इम्यून सिस्टम है वही करने लगता है। आर ए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण सूजन हो जाती है घुटनों में, हड्डियों में, लिगामेंट्स में, मसल्स में, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक हो तो घुटने में डिफॉर्मेलिटी, मतलब घुटना जो है वो टेढ़ा भी हो सकता है और सीधा होने में भी दिक्कत होती है। तो शुरुआत में दर्द होता है, सूजन होता है, धीरे धीरे चलने में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद घुटना जो है वो स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, फिर डिफॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। ये रूमेटाइड अर्थराइटिस बहुत ही आम है घुटनों में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस अगर आपको हो तो घुटने के साथ साथ और भी जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ ये गाउट के कारण भी आपको घुटनों में दर्द होता है, गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो घुटनों में चारों तरफ जाके जम जाते हैं, जिसके कारण सूजन हो जाता है, दर्द होने लगता है, आपको चलने फिरने में तकलीफ होने लगती है और घुटनों में काफ़ी ज़्यादा सूजन होता है। तो
घुटनों में और हमारे जॉइंट्स में एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये एक ऐसा फ्लूइड है, आप मान लीजिए कि जैसे आप अपनी गाड़ी में एक ऑयल डालते हैं इंजन में, तो इंजन में घर्षण कम होता है, वैसे हमारे घुटनों में भी एक तरह का ऑयल होता है जिसके कारण घुटनों में जो हड्डियां हैं वो कम एक दूसरे से टकराती हैं, घर्षण नहीं होता है। इस फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, और आपने सुना होगा घुटनों में पानी भर गया है, तो साइनोवियल फ्लूइड में भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन सूजन आने के कारण हमारे घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है और हमें चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। इस कंडीशन में सूजन बहुत ज़्यादा होती है और घुटनों में पानी भर जाता है। कभी कभी आप सीरंज से पानी निकालते हैं, फिर से इन्फेक्शन हो जाता है, फिर से आप पानी निकलवाते हैं, तो ये प्रॉब्लम में आपको दर्द भी होता है और सूजन बहुत ज़्यादा होती है, चलने फिरने में तकलीफ़ तो होती है, घुटनों में दर्द तो होता ही है। तो ये मेन कॉजेज़ हैं, मेन कारण है घुटनों के दर्द के लिए, और सबसे ज़्यादा मेन जो कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको मैं पेटेंट मेडिसिन बता रहा हूँ वो है ऑस्टोडीन जेट ड्रॉप, जो कि एडविन कंपनी की है। इस पर मेरा वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ उस वीडियो का, तो आप ऑस्टोडीन जेट ड्रॉप के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको लेने का तरीका बताऊंगा। तो ऑस्टोडीन जेट ड्रॉप में जब आप ये ख़रीदेंगे लगभग 500 रुपीज़ का, 500 रुपये का ये ड्रॉप आता है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो जब आप ये ख़रीदेंगे तो आपको 3 सीसियाँ मिलेंगी, 2 सीसी में मेडिसिन भरी रहती है, 1 सीसी खाली रहती है। जो खाली सीसी है उसमें दोनों सीसी का जो आपको मेडिसिन है वो डाल देना है, उसके बाद उसका ड्रॉपर लगाना है और अच्छे से आपको मिलाना है, 10 से 12 बार मिलाना है। उसके बाद आधे कप पानी में गुनगुना पानी यूज़ करिएगा, लगभग 20 बूंद डालिएगा और दिन में 3 बार, सुबह एक बार पीजिएगा, ऐसा ही दोपहर में करिएगा और ऐसा ही शाम को। तो 20 बूंद आधे कप पानी में गुनगुने पानी में दिन में 3 बार ऑस्टेडिन जेट ड्रॉप बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक मेडिसिन डाइल्यूशन भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, उस डाइल्यूशन का नाम है ब्रायोनिया। दोस्तों ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में आप यूज़ करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। उठने बैठने में अगर आपको तकलीफ़ होती है, खासकर जब शुरुआत में आप चलते हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जब आप चलने लगते हैं तो आपको तकलीफ़ जो है वो कम होती है, उसके बाद जब आप बैठते हैं तो ठीक रहता है, जैसे उठते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ब्रायोनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें। ऑस्टोडीन जेट ड्रॉप के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक मेडिसिन है रक्सटॉक्स, दोस्तों रक्सटॉक्स एज अ पेन किलर होम्योपैथी में यूज़ होती है। रक्सटॉक्स 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में 2 बूंद रात में यूज़ करें, ऑस्टोडीन जेट ड्रॉप के साथ यूज़ करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों एक आपको कैल्शियम की होम्योकैल टैबलेट भी यूज़ करना चाहिए, इसमें कैल्केरिया फ्लोर साथ में कैल्केरिया फॉस भी डली हुई है, इस पर भी मेरा वीडियो है, ज़रूर आप देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ तो देख लीजिएगा आप। और होम्योकैल टैबलेट SBL की आती है, इसमें कैल्केरिया फ्लोर और कैल्केरिया फॉस दोनों हैं, तो स्प्यूर में भी इफेक्टिव है, जो मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्प्यूर हो जाता है, तो स्प्यूर को भी कम करती है, साथ ही साथ जो कैल्शियम की कमी है उसको भी ठीक करती है, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आपको 2 गोली सुबह दोपहर शाम चूसना है, बाकी मेडिसिन के साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक लास्ट में मैं आपको लगाने की भी मेडिसिन बता देता हूँ, तो रूमाटोन ऑयल होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ऑयल है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और रूमाटोन ऑयल आप दिन में 2 से 3 बार लगाएं, ये हैबडेको कंपनी का आता है, इस पर भी मेरा वीडियो है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो ये सभी मेडिसिन आप यूज़ करिए, लगभग 2 से 3 महीने तक आप मेडिसिन यूज़ करेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी आराम लगेगा, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आराम लगता जाए वैसे वैसे मेडिसिन आप यूज़ करते जाइए, लगभग 6-7 महीने में पूरी तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब चलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरफ। तो अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो रक्सटॉक्स 200 2 बूंद रात में तो ज़रूर यूज़ करिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ आप R11 लेना ना भूलें, तो R11 रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इस पर भी मेरा वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, तो बहुत सारे वीडियोज़ के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ, जो आपको सही लगे और जो आपको बीमारी हो वो वीडियोस आप देखिएगा। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए R11 ज़रूर यूज़ करिए, और R11 आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में
3 बार लेना है, आधे कप पानी में लगभग गुनगुना पानी ही होना चाहिए, 20 बूंद डालिए, सुबह एक बार पीजिए, दोपहर में और शाम को, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रक्सटॉक्स आप रात में लीजिएगा। और एक मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर नी पेन के साथ साथ आपके जॉइंट्स में, खासकर उंगलियों के जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम, या आपके वर्टिब्रा में, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर भी सूजन और दर्द और बैक में भी पेन रहता है, तो एक्टिया स्पाइकेटा भी आप ले सकते हैं। 200 पोटेंसी में आपको लेना है, 2 बूंद दोपहर में यूज़ करिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ डलका मारा लेना ना भूलें। तो डलका मारा मोस्टली क्या होता है कि जैसे आप बरसात आती है या ठंडी आती है, या आप ठंडा पानी पी लेते हैं, या आप जैसे ही खट्टा चीज़ खा लेते हैं, वैसे ही आपकी जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो दर्द है, जो सूजन है, वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए अच्छी मेडिसिन भी है। तो डलका मारा आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह पिए। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए डलका मारा 200 2 बूंद सुबह सुबह, एक्टिया स्पाइकेटा 200 2 बूंद दोपहर में, रक्सटॉक्स 200 2 बूंद रात में, और साथ में R11 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और होम्योकैल टैबलेट तो आप ले सकते हैं, तो उसको भी लीजिए 2 गोली सुबह दोपहर शाम। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब चलते हैं गाउट की तरफ। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है और घुटनों में दर्द हो रहा है, तो फिर आपको कौन सी मेडिसिन लेना है। इस कंडीशन में आप अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर, और साथ में आप गुल्थेरिया मदर टिंचर, और साथ में रक्सटॉक्स मदर टिंचर, ये तीनों मदर टिंचर को आप बराबर मात्रा में, मतलब 30-30 ml में मिला लीजिए। मिला के 100 ml की फाइल में रख लीजिए, और रखने के बाद आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए। अर्टिका यूरेनस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, यूरिक एसिड को ख़त्म करती है, क्रिस्टल्स को भी ख़त्म करती है, और यूरिक एसिड को कम भी करती है। तो ब्लड यूरिक एसिड अगर आपका 7.5 या उससे ज़्यादा है, तो आपको नीज़ में, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, सूजन भी आ जाती है, और यूरिक एसिड को धीरे धीरे कम करती है। जैसे ही 4 तक आ जाता है, तो अपने आप नी जॉइंट में जो पेन हो रहा है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। साथ ही साथ आपको 2 डाइल्यूशन भी यूज़ करना है। तो एसिड बेंजोइक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एसिड बेंजोइक आप 200 पोटेंसी में, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को भी कम करती है, सूजन को भी कम करती है, घुटनों में दर्द है उसको भी कम करती है ये। तो एसिड बेंजोइक 200 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप यूज़ करें, और साथ ही साथ रक्सटॉक्स 200 2 बूंद रात में यूज़ करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको घुटनों के दर्द में मिलेंगे। तो ये था यूरिक एसिड, मतलब गाउट की समस्या होना, और यूरिक एसिड पे मेरा 2 वीडियोस हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो और घुटनों में दर्द हो, तो ये मेडिसिन भी लीजिएगा, और वो वीडियो देख के कुछ और प्रिकॉशंस वगैरह और मेडिसिन के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं, अगर आपको साइनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है, घुटनों में पानी भरा हुआ है, और साथ ही साथ सूजन और दर्द है, तो कौन सी मेडिसिन लेना है। तो इस कंडीशन में एपिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एपिस मेलिफिका सूजन को भी कम करती है, जो घुटने में पानी भरा हुआ है उसको भी कम करती है। तो एपिस मेलिफिका 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप यूज़ करें। साथ में ब्रायोनिया 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप यूज़ करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। चाहे तो आप आर्टिका यूरेनस मदर टिंचर और साथ में रक्सटॉक्स मदर टिंचर, ये दोनों को मिला के 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो 3 मेडिसिन आप यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये, अगर साइनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है तो। दोस्तों ये थी बीमारियाँ जो घुटनों में ज़्यादातर होती हैं और जिसके कारण घुटनों में दर्द होता है, और मैंने बीमारियों की होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बताई है। आशा करता हूँ कि अगर आपके घुटनों में दर्द है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर मेडिसिन लेके एक बार देखेंगे। अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है, तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिया तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।